है कि हमारे साथ पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे आज के अतिथिगण श्रीमान मदन सिंह जी बोड़ा, सहायक वन संरक्षक जोधपुर, एवं श्रीमान मदन सिंह जी क्षेत्रीय वन अधिकारी लूणी, एवं श्री भंवर सिंह जी वन रक्षक पधारे हैं। मैं पूरी विद्यालय की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा निवेदन रहेगा हमारे अतिथियों से एवं प्राचार्य महोदय से कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। Now I would read a welcome bouquet to our guest. धन्यवाद सर। मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि कृपया वे मंच पर पधारें और हमारे अतिथियों के स्वागत में दो शब्द कहें। सभी को सुप्रभात। वेरी गुड। बहुत जोश है बच्चों में आज, और होना भी चाहिए। जैसे आज के स्पेशल कार्यक्रम में कक्षा 12 के बच्चे ने बताया कि आज पृथ्वी दिवस है, और इस पृथ्वी दिवस के मौके पर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान वन विभाग के कुछ अधिकारी हमारे बीच मौजूद है। तो सर्वप्रथम मैं माननीय श्री मदन सिंह जी बोड़ा, सहायक वन संरक्षक जोधपुर, और श्रीमान मदन दान जी चारण, क्षेत्रीय वन अधिकारी लूणी, और उनके सभी सहायक कर्मचारियों का संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी का इस विद्यालय प्रांगण में संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है, और हमारे लिए बड़ा खुशी की बात है आज के दिन को आप लोगों ने यहाँ विद्यालय में उपस्थिति देकर हमारे विद्यालय का इस प्रोग्राम का ये चुनाव करके हमारे विद्यालय के लिए अच्छा काम किया है, और निश्चित रूप से सभी बच्चे और शिक्षक साथी इससे प्रफुल्लित है। तो जैसा कि आज के प्रोग्राम में कक्षा 12 के बच्चे ने बताया कि आज पृथ्वी दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में, और जैसे आपको पता है कि सोलर सिस्टम के अंदर आर्थी एक ऐसा प्लानेट है जहाँ से क्या है जीवन का अस्तित्व है, यानी यहाँ जीवन के लिए सभी परिस्थितियाँ और संसाधन विद्यमान है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से आठ दशकों से ऐसा हुआ है कि विकास की दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध हुआ है, और जिससे पारिस्थितिक असंतुलन बना है, पर्यावरण प्रदूषण बना है, यानी जीवन पे संकट आया है। पृथ्वी पे जीवन का अस्तित्व है उसके लिए खतरा पैदा हो गया है। जैसे आप पढ़ते हो कि बहुत सारे वनस्पति और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो लुप्त हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं। तो इसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल चेंज हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण इकोलॉजिकल चेंज हुआ है जो जीवन के लिए सपोर्टिव नहीं है। तो पृथ्वी दिवस मनाने का आज का जो मेन प्रयोजन है वो यही है कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जो इकोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसको रोकें, यानी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको कम करें, और जीवन के लिए विद्यमान परिस्थितियां हैं उनको और कैसे अर्थ पे बेहतर कर सकें। ये सभी जन का, यानी पृथ्वी पे जीवन यापन करने वाले सभी मानव जाति का एक कर्तव्य है। तो उसी को लेकर के, उसी के बारे में जागृति लाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसी को लेकर के हम क्या मनाते हैं पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि कहा भी गया है, पृथ्वी और पर्यावरण से प्रेम कीजिए, वो आपके लिए संपन्नता के द्वार खोल देगी। अब मैं हमारे विद्यालय के छात्र देवांश को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो कि एक वृक्ष बनकर आया है, वो आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता है। कृपया तालियां बजाकर उसका स्वागत। Respected teachers and my dear friends, I Devanshi Shekhar from class 3rd B. I am going to recite a poem. I am an earth. It's about nature. I am an earth. I am the one who gives birth. Everything is leaves. Beauty each one gives. Save.
water and let's make a wonderful home for you and me. Recycle things on earth and always fit. Nowadays I feel fear to stay in spare. I think your attitude and behavior will make me disappear. Protect me just for yourself, because I will die. Nothing in the world will survive. That I mean to say, always remain healthy and safe. Thank you. Thank you, Devansh, for this beautiful poem. Now I welcome Purvi to come upon stage as she is dressed as a tree and present his poem. Good morning. Today I am here to recite a poem. My class is 3A. Tree is my best friend. Tree gives a oxygen. Tree gives a fruits. Trees, we live without trees. Trees called a green gourd. Thank you. मैं आगे मैं बुलाना चाहूँगी कीर्ति बारहवीं और से जो कि अपनी कविता प्रस्तुत करेंगी। बात आप सभी को आज पृथ्वी दिवस के अंतर्गत मैं एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है मेरी गोद में पले जग सारा, जो कुछ इस प्रकार है। मेरी गोद में पले जग सारा, हर प्राणी की जान हूँ मैं। मेरी गोद में पले जग सारा, हर प्राणी की जान हूँ मैं। ना समझूं भेद का कोई इशारा, हर किसी के लिए समान हूँ मैं। ना समझूं भेद का कोई इशारा, हर किसी के लिए समान हूँ मैं। भरती अनाज से घर हूँ तुम्हारा, भरती अनाज से घर हूँ तुम्हारा। हर समस्या का समाधान हूँ मैं। कभी बहती चंचल धारा, तो कभी सूखा रेगिस्तान हूँ मैं। कभी बहती चंचल धारा, तो कभी सूखा रेगिस्तान हूँ मैं। कभी किसान का बनू सहारा, खेत और खलिहान हूँ मैं। कभी किसान का बनू सहारा, खेत और खलिहान हूँ मैं। जिसने भी धरती माँ को पुकारा, उसके लिए महान हूँ मैं। जिसने भी धरती माँ को पुकारा, उसके लिए महान हूँ मैं। जिसको हर मिटाने वाला हारा, वही अमिट निशान हूँ मैं। जिसको हर मिटाने वाला हारा, वही अमिट निशान हूँ मैं। धन्यवाद एवं शुक्रिया। आदरणीय प्राचार्य जी, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, अनमोल प्रकृति के संरक्षण हेतु सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण विषय से संबंधित मैं यशस्वी सोनी, कक्षा 9B की छात्रा, आज प्रकृति की एक संवेदना भरी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है यह धरती कुछ कहती है। चुप रहती बोझा सहती, पर सुनो ध्यान से यह धरती कुछ कहती है। क्या कहती है? कहती है इंसान मत छोड़ ऐसे निशान, कहती है इंसान मत छोड़ ऐसे निशान, जिन्हें देखकर मन विचलित हो और मिट जाए मेरी पहचान। मत काट इतने वृक्ष तू कि मेरे तन से हरियाली गुम हो जाए। एक हरे पेड़ को देखने के लिए बच्चों की आंखें तरस जाए। मत फैला इतना प्रदूषण तू कि मेरा दम ही घुट जाए। चारों तरफ मंडराए धुआं, तुझे कुछ भी नजर नहीं आए। मत कर इतना खून खराबा तू कि मेरा रंग ही बदल जाए। कुएं में बाल्टी डाले तो लाल रंग बाहर आ जाए। कर ऐसे सत्कर्म तू कि यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। गर्म महसूस करे तू भी जब कभी दोबारा जन्म पाए। धन्यवाद। उसकी उड़ाने के लिए तालियां बजा सकते हैं। शुभ प्रभात, मैं प्रिय, कक्षा 8B।
की छात्रा आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है आओ हम सब मिलकर पृथ्वी बचाएं। पृथ्वी को बचाना है तो जल को हमें बचाना होगा। पृथ्वी को बचाना है तो जल को हमें बचाना होगा। बूंद बूंद से घट भरता है यही मंत्र अपनाना होगा। बूंद बूंद से घट भरता है यही मंत्र अपनाना होगा। नदियों में कूड़ा ना डाले जल संरक्षण करना होगा। नदियों में कूड़ा ना डाले जल संरक्षण करना होगा। वर्षा के जल को सहेज कर भूमिगत जल बढ़ाना होगा। वर्षा के जल को सहेज कर भूमिगत जल बढ़ाना होगा। जल से ही है जीवन जल से ही है कल। जल से ही है जीवन जल से ही है कल। जल को नहीं बचाया तो मानो प्रलय अटल। जल को नहीं बचाया तो मानो प्रलय अटल। पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ों को बचाना होगा। पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ों को बचाना होगा। नए पेड़ लगा के पुराने पेड़ों को अपनाना होगा। नए पेड़ लगा के पुराने पेड़ों को अपनाना होगा। पर्यावरण बचाना है तो प्रदूषण को मिटाना होगा। पर्यावरण बचाना है तो प्रदूषण को मिटाना होगा। छोटे सरल तरीकों से प्रदूषण को हराना होगा। छोटे सरल तरीकों से प्रदूषण को हराना होगा। प्लास्टिक की थैली ना ले कपड़े का थैला अपनाए। प्लास्टिक की थैली ना ले कपड़े का थैला अपनाए। गाड़ी की जगह पास में साइकिल से घूमने जाए। गाड़ी की जगह पास में साइकिल से घूमने जाए। तो आओ हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि पेड़ लगाए जल बचाए प्रदूषण ना फैलाए और पर्यावरण बचाए। जय अर्थ रिजॉइस आवर वर्ड्स ब्रीथिंग इन पीसफुल स्टेप्स लेट एवरी ब्रीथ एवरी वर्ड एंड एवरी स्टेप मेक द मदर अर्थ प्राउड ऑफ अस। Now I welcome our honorable guest Mr. Madan Singh Goda to come upon stage and give us his precious advice on how we can make this earth more beautiful than it is. Please welcome him. Bachcho suprabhat. साथियों के द्वारा प्रस्तुत की गई कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ श्रीमान प्राचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 और आपके सभी सहयोगियों का। आपने वन विभाग को अपना मंच दिया और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में आपके विद्यालय का चयन करने और हमारे को स्थान देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हम वर्ष 2022 में 52वें पृथ्वी दिवस को विश्व स्तर पर मना रहे हैं और आपके साथियों ने और श्रीमान प्राचार्य महोदय ने 22 अप्रैल के विषय में बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन विभाग की ओर से कुछ छोटी छोटी जानकारियां जो कि आपके कैरियर में आगे काम आएगी उसको मैं अपनी ओर से विभाग की ओर से प्रस्तुत करने के लिए आपका समय ले रहा हूं। साथियों और छात्रों, जब 18वीं सदी में हम सभ्यता के उन्नयन की ओर बढ़ रहे थे तब हमारे को औद्योगिकरण के लिए, नदी घाटी परियोजनाओं के लिए, सिंचाई परियोजनाओं के लिए और मानव बस्तियों को बसाने के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए थी और इस जमीन के लिए हमने सबसे ज्यादा जिस जमीन को यूटिलाइज किया वो फॉरेस्ट लैंड थी। विश्व स्तर पर 18वीं शताब्दी के आरंभ में हमारे पास में 32% वन थे और पिछले 200 वर्षों में लगभग हमने 1% वन पूरे विश्व स्तर पर, जिसका क्षेत्रफल लगभग 15,70,000 वर्ग किलोमीटर होता है, हमने जंगल को काटने में यूज किया। अगर मैं यही बात आपको राष्ट्रीय स्तर पर करूं तो लगभग हमने 57,000 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय स्तर पर मानव सुविधाओं के लिए जंगल को यूज किया और उसमें बहुत सारे पेड़ों का बलिदान हुआ। अगर मैं प्रांतीय स्तर पर आपको बात करूं तो लगभग हमने राजस्थान में 2,000 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड को मानव बस्तियों के लिए और मानव सुविधाओं के लिए उपयोग में लिया। जिस गति से हम जंगल को अपनी सुविधाओं के लिए उपयोग में लिए जा रहे थे उससे हमारे पर्यावरणविदों के मध्य एक चिंतन पैदा होना स्वाभाविक था कि यदि हम इसी गति से वनों को उपयोग में लेते रहेंगे तो एक दिन ऐसा समय आ जाएगा
जबकि हमारे पास में वन क्षेत्र के रूप में कुछ भी नहीं रहेगा। आज हम वन क्षेत्रफल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या संपूर्ण पृथ्वी जगत पर 31% हमारे पास में वन है। अब राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हमारे पास लगभग 24.5% वन क्षेत्र है। अब राजस्थान की बात करें तो 9.5% है, और जैसे जैसे हम अब इस नीचे आते हैं तो जोधपुर संभाग में केवल 3% वन है, और अगर हम जोधपुर जिले की बात करें तो सिर्फ हमारे पास में 1% वन है। तो हम जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं तो हमारी स्थिति भयावह है और चिंतनीय है, और इस विषय पर चिंता करना और कार्य करना, केवल चिंता ही नहीं करना, कार्य करना हम सबका गुरुतर दायित्व है। और मुझे खुशी है कि केंद्रीय विद्यालय अपने इस दायित्व को कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। ये परंपरा है कि हम एक मिट्टी का बर्तन बांधते हैं जिसको हम परिंडा कहते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे, जानते हैं। हम सभी बच्चे अपने अपने घरों में अगर एक एक परिंडा रख दें और उसमें सुबह एक एक लोटा अगर पानी डाल दें तो मैं समझता हूँ 1200 पक्षियों के लिए पानी पिलाने की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं, 1200 पक्षियों के जीवन को बचा रहे हैं। इसी प्रकार से जो भी हमारे सृष्टि में वन्य जीव हैं, वन्य जीवों के बारे में हमारे बीच में ज़्यादातर ये गलत फहमी रहती है कि वन्य जीव आदमी को नुकसान पहुँचाते हैं। कोई भी वन्य जीव किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता जब तक कि आप उसके लिए खतरा पैदा नहीं करते। चाहे सांप हो, चाहे बाघ हो, चाहे जरक हो, चाहे पैंथर हो, चाहे चीता हो, कोई भी वन्य जीव तभी आपको नुकसान पहुंचाएगा जब आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे। कोई भी वन्य जीव मानव जाति के लिए कभी भी खतरा नहीं रहा है, मानव जाति हमेशा वन्य जीवों के लिए खतरा बनती रही है, वन्य जीव मानव जाति के लिए कभी खतरा नहीं बने हैं। हम सब बच्चों का ये दायित्व है इस वर्षा ऋतु में सभी बच्चे जिन जिन के घरों पर पौधारोपण के लिए जगह उपलब्ध है वन विभाग की पौधशालाओं से आप पौधे प्राप्त करें, घर घर औषधि योजनाओं के भी पौधे प्राप्त करें। आप अपने घर में आंगन में इन पौधों को लगाएं, और पौधों को लगाना ही नहीं है, हर पौधे को पेड़ बनाना है। अगर पौधा लगा करके पौधे को उसका संधारण नहीं कर पाए, अगर परिपालन नहीं कर पाए तो फिर पेड़ लगाने से कोई मतलब नहीं। इसलिए हम ज्यादा पेड़ लगाने के बजाय एक ही पेड़ लगाएं और उस पेड़ के साथ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। ज्यादातर माता पिता कुछ शहरों में बच्चों और बच्चियों के जन्म दिवस पर उनके जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए पौधारोपण करते हैं, और उन पौधों का नाम भी अपने बच्चों के नाम से दे रहे हैं कि यह अंजनी नीम है या मयूर बरगद है, ताकि उस पेड़ पौधों के साथ में माता पिता और बच्चों की भावनाएं भी जुड़ती हैं। आप अपने जीवन में जितने भी अच्छे काम करते हैं उन अच्छे कार्यों की सूची में एक कार्य पौधारोपण को भी शामिल करें। हम सबका ये गुरुतर दायित्व है कि इस राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तय किए गए 20% के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए हर बच्चा हर परिवार प्रतिवर्ष एक पौधा लगा करके उसको पेड़ बनाए और अपनी यादों को उस पेड़ के साथ जोड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ मैंने आपका समय लिया, मेरे विचार आपको ठीक लगे होंगे। श्रीमान मदन दान जी क्षेत्रीय वन अधिकारी लूणी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो कि अपने विचार एक गीत द्वारा प्रस्तुत करेंगे। सर, विद्या के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को विद्या के प्रांगण में सादर प्रणाम। पृथ्वी दिवस पर वन परिवार और विद्यालय परिवार का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी बच्चों को वन परिवार और विद्यालय परिवार को सुप्रभात। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल से राजस्थान तक फैले हुए इस भूभाग को हम एक धरती या भूभाग या पृथ्वी नहीं कहते हैं, बल्कि हमारी मातृभूमि कहते हैं। इस मातृभूमि पर जन्मे हम सभी आपस में सगे भाई हैं। हम सगे भाई होने के नाते हमारे दायित्व है कि हमारी मातृभूमि की सुरक्षा समृद्धि
और श्रृंगार भी किया जाए। इस पृथ्वी का श्रृंगार पेड़ होता है, इसलिए हम सभी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर इस पृथ्वी का श्रृंगार करें और इस कार्य के अंदर हर कोई अपना दायित्व निभा सकता है। इसमें बच्चे भी सबसे आगे रहते हैं। आपने सुना होगा भगत सिंह जब छोटे थे तो एक दिन जमीन के अंदर को दबा रहे थे। अध्यापक जी ने पूछा क्या कर रहे हो, के बंदूकें उगा रहा हूं। उनको देश की आजादी चाहिए थी, आजादी के लिए बंदूकें जरूरत थी और बंदूकें उनके पास थी नहीं, तो एक खेलने का जो बंदूक था उनको भी उन्होंने पृथ्वी के अंदर दबा दिया और उनको लगा के शायद ये उगेगी और बहुत सारी बंदूकें आएगी और उससे मैं देश को आजाद कर लूंगा। आज हमारा गुरुतर दायित्व एक ही है कि इन पृथ्वी के ऊपर पेड़ कम हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हम सभी अपने सभी सगे बंधुओं को अच्छे त्योहारे पर, अपनी जन्मतिथि पर, पूर्वजों की पुण्यतिथि पर, वार त्योहार पर एक पेड़ जरूर लगाएं, ऐसा हम सभी आपस में प्रण करें। और आज जो आपके विद्यालय में यह कार्यक्रम हो रहा है, विद्यालय परिवार का, प्रिंसिपल साहब का, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। किंतु एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये भी एक बच्चे की तरफ से हो रहा है। आपके यहां पे एक बच्चा पढ़ रहा है, उनके अभिभावक हमारे स्टाफ हैं, उन्होंने आगे से आगे बात बढ़ाई और राजस्थान सरकार का कार्यक्रम आपके विद्यालय में आ गया है, तो आप समझ सकते हैं एक बच्चा अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए आपसे ये प्रेरणा है, आपसे ये अपेक्षा है कि आप इस बरसात के मौसम में, जैसा सर ने बताया है और आपके प्रिंसिपल साहब और सारे अध्यापक बंधु भी इनके लिए कहते रहते हैं, तो आप इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उनको सुरक्षित और संरक्षित करें। अब पेड़ की सुरक्षा के लिए कई आयाम होते हैं, तो मेरे पास में गीतों के आयाम है, तो छोटे से मैं आपको सामने पेश करता हूं। तू चेत चेत रे चेत मान खा भाई रे, मान खा भाई रे, आ कुदरत के रे कई रे, तू चेत मान खा भाई रे, भर दूरे भाकरा हरियो जंगल काट काट ले आवे, बैलगाड़ी छकड़ा लारी बांध भारिया लावे, के धोरा बन गया झाड़ी कोनी मगरिया माथे, पानी गयो है पताला ऊंडो सूखी पड़ी गावरी नाडी, जरा सो ध्यान तो धर लो, आ धरती की तो के वेरे, आ कुदरत की तो के वेरे। धोरा बन गया झाड़ी कोनी है मगरिया रे माथे, पानी गयो है पताला ऊंडो सूखी पड़ी गावरी नाडी, जरा सो ध्यान तो धर लो, आ धरती की तो के वेरे, आ धरती की तो के वेरे, तिखी कवाड़ी घाव मोटो फिर भी कोनी रोवे। पेड़ काटने वाले के लिए एक संदेश है, तिखी कवाड़ी घाव मोटो फिर भी कोनी रोवे, रोवे ला तो मन खोरे पेड़ जदे नहीं होवे, के धोरा बन गया झाड़ी कोनी है मगरिया रे माथे, पानी गयो है पताला ऊंडो सूखी पड़ी गावरी नाडी, जरा सो ध्यान तो धर लो, आ धरती की तो के वेरे, तू चेत चेत रे चेत मान का भाई रे, मान का भाई रे, आ कुदरत
रे ते चे तो प्रिंसिपल भाई रे ते चे तो सगड़ा ही भाई रे। जय हिंद जय भारत।